हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशियल को समझेंगे। आपने डिफरेंशियल का ना जो हवा बना के रखा है ना, आज हम इसको एकदम बाय करने वाले हैं। समझे? आपको लगता है कि डिफरेंशियल में पता नहीं पड़ता सर कि कहाँ से साइन एक्स आ गया, कहाँ से डी एक्स आ गया, कहाँ डी टी पहुँच गया, कोई आइडिया नहीं। आज के इस वीडियो के बाद आपको आइडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन अब जियो चलाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको बता दें कि आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर डिफरेंशियल पे वीडियो लेकर के आओ, तो डिफरेंशियल पे आप वीडियो आ गई है। आप में से जितने स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर ये वीडियो चाहिए मुझे, इस टॉपिक पर, इस कंटेंट बेस्ड चैप्टर वीडियो चाहिए, तो वही कंटेंट मैं आपको अपलोड करके दूंगा। मतलब वही कंटेंट आपको सबसे आसान भाषा में, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में मिलने वाला है। ठीक है, और समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस बात की गारंटी आपका भाई देता है। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चाहिए कि सारे के सारे जो भी नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएं, पीडीएफ नोट्स हर एक सेशन के, हर एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन के, हर एक चीज जो आपको क्लास में पढ़ाई जाए वो आपको मिल जाए। तो आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपको अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने इस चैनल की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक वर्क नहीं करती है, तो आपको टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली सर्च कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, आप में से कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर यूनिट एंड डायमेंशन लेकर के आओ, लेके आए ना आपने कहा, इसके बाद इंटीग्रेशन जो आप कहते जा रहे हो वही मैं लेके आ रहा हूं। आपने कहा वेक्टर, देखो वेक्टर 45 मिनट में हमने खत्म करा दिया, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है, या फिर आप सर्च कर लेना वेक्टर बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि जो आपको कंटेंट दूंगा ना आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यही ना मिला हो क्योंकि आपने घंटी ना दबाई है, तो घंटी दबाओ अपनी भी और अपने दिमाग जो है YouTube चैनल की भी। ठीक ना, और इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिफरेंशियल आखिरकार होता क्या है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा तो सारी चीजें बैठ जाएंगी। तो बेसिकली आपने बचपन से प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इनमें तो कभी अपन नहीं घबराए, क्योंकि अपन को समझ में आता है कि इनका यूज क्या है, है कि नहीं। तो जैसे आपने बचपन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन पढ़ा है, ये क्या है, ये मैथमेटिकल टूल है। हाँ, इसी तरीके से डिफरेंशियल भी क्या है, बोला ये हवा नहीं है, ये भी मैथमेटिक्स का एक टूल है। लेकिन सर वो तो ठीक है, मुझे पता है कि इनका यूज कहां होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डिफरेंशियल का यूज कहां होता है, तो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आप अपनी बाइक से जा रहे हो या आप दौड़ लगा रहे हो, तो आप अभी कहां हो, आप अपनी जगह पे हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप दौड़े दौड़े तो आपकी क्या चेंज हुई, आपकी डिस्टेंस चेंज हुई, या कहें कि आपकी पोजीशन चेंज हुई। अब पोजीशन चेंज हो रही है और साथ में कौन चेंज हो रहा है, तो आपने कहा साथ में टाइम भी तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। तो जो डिफरेंशियल है वो मैथमेटिकल टूल है, और ऐसा जादुई मैथमेटिकल टूल है कि भाई इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया और कैसे कैसे चेंज आया। घबराओ मत, सब समझ में आएगा। क्या कहा मैंने, डिफरेंशियल एक ऐसा टूल है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से हम ये बता देते हैं कि भाई एक क्वांटिटी में दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया, कैसे चेंज हो रहा है। हाँ, डिफरेंशियल ऐसा टूल है कि हम ये भी बता सकते हैं कि आप भागते चले जा रहे हो और हम ये बता देंगे कि भाई 9 सेकंड पर आपकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होने वाली है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं डिफरेंशियल का यूज क्या है। ये तो मैंने एक बताया, अब मैं आपको और सारे यूज बताऊं। देखो, इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ अदर। ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे मान के चलिए कि आपकी जो पोजीशन है ये टाइम के साथ बदल रही है, तो हम इसको डिफरेंशियल की हेल्प से बता सकते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे। देखिए जरा, अब मान के चलो हो सकता है कि आपकी गाड़ी अभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर आपकी एकदम ट्रैफिक आ गया, आपने 2 मीटर पर सेकंड से कर ली, हाईवे मिला और आपने जो भगा दी उला 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें ये भी बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। या ये भी बता सकता है कि भाई वेलोसिटी किस तरह से बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम एक्चुअल में ये बता सकते हैं डिफरेंशियल की हेल्प से कि भाई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होती है। अच्छा, आगे देखो, इट टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि ये भी बता सकता है कि यूनिफॉर्म जो मोशन है आपका, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब गाड़ी की जो स्पीड है ये आपकी
एक ही रेट से बढ़ रही है कि अलग अलग रेट से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, विद द डिफरेंशियल वी कैन टेल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी वगैरह है वो एक्सेलरेशन वगैरह हम पर्टिकुलर टाइम पे बता सकते हैं। कैसे करेंगे अब मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, यहां पे तो जैसे आप ये जानते हो कि भाई हर चीज का एक साइन होता है, मैंने कहा ये बताइए कि प्लस का साइन क्या है, एडिशन का साइन, तो आपने कहा सर एडिशन का साइन ये होता है प्लस। मैंने आपसे कहा सब्ट्रैक्शन का साइन क्या है, तो आपने कहा सर ये माइनस होता है। मैंने कहा मल्टीप्लाई का, आपने कहा ये होता है। डिवाइड का, आपने कहा ये होता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कि डिफरेंशियल का साइन क्या है, तो आपका मुंह थोड़ा ना फूलना चाहिए, है कि नहीं। तो आपको बस सोचना है कि हर चीज का साइन होता है, ऐसी डिफरेंशियल की भी कोई पहचान होगी। तो डिफरेंशियल की पहचान क्या होती है कि हमेशा इस तरह से लिखा होता है डी बाई डी टी, या फिर डी बाय डी एक्स, या फिर डी बाय डी वाई, या फिर डी बाय डी जेड। हाँ, तो इस तरह से ये क्या है, ये डिफरेंशियल की आइडेंटिफिकेशन है, डिफरेंशियल का साइन है। कहीं पे ऐसा मिल जाए तो उसका मतलब हमें डिफरेंशियल करना है। अच्छा, अब देखो उनको पढ़ा कैसे जाता है, देखिए जरा कैसे पढ़ा जाता है। अब जैसे मान के चलो कि मैंने कहा कि भाई पोजिशन आप कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं पोजिशन, लेकिन क्या होता है कि अपन को 11th में सबसे ज्यादा यही पढ़ना है, और फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ डील करना होता है कि नहीं, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा इसी के साथ वर्क करेंगे। मान के चलो ये इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इसको दो तरह से हम पढ़ते हैं। ये देखो डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स क्या है, पोजिशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना। अभी देखो और कैसे पढ़ते हैं डिफरेंशियल ऑफ, हाँ जी भाई, और हम इसको पढ़ते हैं चेंज इन, क्या पढ़ते हैं चेंज इन इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक ना। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे मान के चलो कि कहीं पे आपको मिल गया कि डी बाय, या ऐसा बोलूं कि भाई डी यू बाय डी टी। इसका मतलब क्या है कि आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका डिफरेंशियल होगा इसका। जैसे मान के चलो मैं आपसे कह दूं कि ये लिखा है 2 + 2, तो बताओ जरा क्या क्या ऐड किया, मैंने 2 और 2 को ऐड किया है, तब जाके आंसर क्या आया, बोला 4। तो बस यही चीज है कि आपको सिर्फ ये समझना है कि डिफरेंशियल का साइन क्या है। तो आप देखो डी वी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। चलिए, तो ये dv upon dx इस तरह से हो गया। ये तो मैंने आपको सिखा दिया पढ़ते कैसे हैं, अब हम ये समझेंगे डिफरेंशियल करते कैसे हैं, क्योंकि यही हमारी जो है ना मेन चीज है, यही चीज हम सीखने यहां पर आए हैं कि डिफरेंशियल कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं होता, हमें फिजिक्स में इक्वेशन के फॉर्म में हर एक चीज मिलेगी, ठीक। तो इक्वेशन फॉर्म मतलब x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में। तो देखो कभी क्या होगा कि x के ऊपर कोई तो पावर होगी, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, कुछ तो होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखो जरा अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, बात समझे, मतलब x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में है तो कैसे करेंगे। देखो कभी भी लिखा हो कि भाई x की पावर, तो मान के चलो कि x के ऊपर कुछ, जो x का डिफरेंशियल हम कर रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। चलिए अब x के ऊपर मान के चलो कुछ पावर लगी है, तो हम इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, हमेशा याद रखो कि पावर आ जाएगी, ये देखो पावर आ जाएगी आगे, और x के ऊपर जो भी पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा बस। जैसे मान के चलो कि आपको डिफरेंशियल करना था x क्यूब का, तो पावर क्या है 3, तो पावर आ जाएगी, तो पावर आ जाएगी आगे, 3 आ जाएगा आगे, 3 हो गया आगे। चलिए अब ये बताओ जरा x पावर में से एक कम कर दो, 3 में से एक कम कर दो, क्या आ जाएगा 2। तो बताओ जरा x क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया 3x स्क्वायर, मतलब ये d by dx x रिस्पेक्ट में था, ठीक। अब जैसे मान के चलो ये सारे x के टर्म में, मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ कि 2x x स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे, ये पावर आ जाएगी आगे, पावर आ गई आगे, अब जो भी पावर थी उसमें से एक कम कर दो, तो 2x की पावर 1, मतलब ये कितना बन गया 2x बन गया, बस ये आपको याद रखना है। अब मान के चलो कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 3x, अब बताओ जरा अभी क्या हुआ, पावर कितनी है, तो पावर है देखो पावर है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा आगे, तो ये 3 लिखा है। चलिए अब x की पावर क्या है, x की पावर 1 - 1, है कि नहीं, पावर में से एक कम कर दो, तो ये 3 इंटू एक्स की पावर क्या हो गई 0। याद रखिए किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1। तो इसका मतलब है कि यदि आपके पास 3x लिखा है तो ये जो इसके पास एक ही पावर है बोला वो भी हट जाएगी, तो खेल खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा।
है कि नहीं, बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में, ऐसा भी हो सकता है dy dt लिखा हुआ है और यहां पे जो है आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करना है मान के 3t स्क्वायर का, कैसे करेंगे जरा बताओ। तो देखो ये पावर आ जाएगी आगे, तो 3 2 जा 6 है कि नहीं। अब इसके बाद ये देखो, अब इसके बाद देखो t के ऊपर पावर आ गई आगे, 2 3 जा 6। अब t के ऊपर कितनी पावर थी, 2। अब इसमें से एक कम कर दो तो बचेगी 1, तो आप इसको सिंपल 60 की पावर 1 या 60 लिख सकते हो। अब मान के चलो अकेला 60 ही है, इसका डिफरेंशियल करना है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बताओ जरा t के ऊपर एक ही पावर है, कुछ नहीं बचेगा, सिंपल 6 आ जाएगा। अब मान के चलो कि आपको डिफरेंशियल करना है किसका, आपको डिफरेंशियल करना है डी बाय डी टी ऑफ 6, याद रखिए। बहुत सही बोला सर, अब क्या होगा, तो आप मुझे पढ़ के बताओ उसको क्या पढ़ोगे, बोलो जरा। तो आप ये पढ़ोगे डिफरेंशियल ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या ऐसे पढ़ोगे चेंज इन 6 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप मुझे ये बताओ डिफरेंशियल का काम क्या होता है, कि चेंज बताना, रेट ऑफ चेंज बताना, कि किस वैल्यू से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, है कि नहीं। तो आप ये बताओ क्या 6 की वैल्यू किसी के पापा जी चेंज कर सकते हैं, नहीं ना। तो बस यही चीज है कि यहां पर 6 का में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आंसर क्या है, 0। मान के चलो आपको पाई का डिफरेंशियल करना है अलग से, ठीक, तो बताओ जरा कि पाई को कोई बदल सकता है, नहीं, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है कॉन्स्टेंट जो अलग से लिखा है, कांस्टेंट जो अलग से लिखा है उसका डिफरेंशियल हमेशा कैसा हो जाएगा, 0। क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब ही होता है कि रेट ऑफ चेंज बताना, जब 6 की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी नहीं तो उसका डिफरेंशियल 0। लेकिन यहां पर देखो मैंने आपको अलग से, आपके सारे डाउट जो दूर हो जाए, मैं लिख के रखा है कि कॉन्स्टेंट का क्या करें भैया। तो याद रखिए कॉन्स्टेंट अगर सेपरेट है, कॉन्स्टेंट अगर सेपरेट है, बोला अलग से रखा हुआ है, हिंदी में लिखें कॉन्स्टेंट अगर अलग से रखा हुआ है, से रखा हुआ है, कांस्टेंट अगर अलग से रखा है तो आप क्या करें, इसका डिफरेंशियल डिफरेंशियल हो जाएगा 0। कितना, 0। आपको सब समझ में आ जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। जैसे कि ये अलग से लिखा था तो 0, ये अलग से लिखा था 0, लेकिन किसी के मल्टीप्लाई में है तो 0 नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट के कारण, जैसे मान के चलो भाई 6x स्क्वायर लिखा है, तो हमने तब तो 6 को 0 नहीं किया, बात समझ में आ रही है। तो लेकिन अलग से लिखा है तो 0, लेकिन इनटू में है तो रूल अप्लाई होगा, ठीक। कौन सा रूल अप्लाई होगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक, बात समझ में आई। चलिए भाई अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको फिजिक्स में कुछ ऐसा मिल जाएगा, जितना करा दूंगा ना उसमें आपको मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो, घबराओ मत। देखिए जरा, इफ पोजिशन एक्स इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भाई देखो, अभी तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल की हेल्प से हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो देखो क्या दिया है, कि कहा जा रहा है कि पोजिशन जो है ये दी हुई है, पोजिशन की जो है ना, पोजिशन को इस इक्वेशन से बताया जा रहा है। देखो क्या बताया जा रहा है, कि पोजिशन को इस इक्वेशन से बताया जा रहा है। फिर कह रहा है कि भाई इस इक्वेशन की मदद से आप वेलोसिटी और टाइम निकालो, तो मुझे बस वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं एक्स की इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स की इक्वेशन क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। अब मुझे बताया कि वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, होता है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब मुझे इस एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो कर दूंगा। तो देखो ये डी बाय डी टी, अब देखो ये क्या लिखा है, x, तो मैंने यहां पे x की वैल्यू लिख दी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब मुझे आप खुद से बताओ, देखो जरा ये 3t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, बताओ जरा, ये 2 पावर मतलब आगे आ जाएगा, तो 2 अगर आगे आ गए तो क्या बचा, 6 और ये t। चलिए अब इस 2t का बताओ, बोला 2t के ऊपर तो एक ही पावर है, वो भी चली जाएगी, तो 0 ही पावर बचेगी, और किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 तो आंसर आता है 1। तो ये बताओ, देखो सिंपल, 2t लिखा है तो 2, 4t लिखा है तो 4, 60 लिखा है तो 6। चलिए और ये बताओ 1 तो क्या नंबर की वैल्यू अकेले चेंज होगी, नहीं, कॉन्स्टेंट, देखो 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है। चलिए तो क्या बोला, अगर अलग से लिखा है तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि v मतलब dy dx अपॉन dt जो है, ये v जो है कितनी आ गई, 60 प्लस 2,
या गई क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो सेकंड में बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अभी आप इसमें टाइम t इज इक्वल टू पुट कर दो, एट t इज इक्वल टू टू, तो आप ही देखेंगे b इज इक्वल टू सिक्स इंटू टू, सिक्स इंटू टू ठीक चलिए, और प्लस टू, तो आप ये देखो कितनी b इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जो भी कार है या कुछ भी है ये जो है ये 14 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है। तो आपने देखा कि डिफरेंशियल की हेल्प से हमने इस इक्वेशन की क्या निकाल दी, इस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी पता पड़ गई। ठीक चलिए अब एक्सेलरेशन ही पता पड़ जाएगी। जैसे आप ये बताओ कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या निकल के आई, 60 प्लस 2 निकल के आई। अब इसके बाद आप ये देखो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब आपको वेलोसिटी वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है। देखो 6t, तो 6t का डिफरेंशियल क्या होगा 6, और 2 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये बताओ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि इसमें तो जो है ये वाली जो एक्सेलरेशन है इसमें तो t वगैरह आ ही नहीं रहा, तो हम इस t की वैल्यू कहां पुट करें। तो एक्चुअल में इस समय ये पता पड़ता है कि एक्सेलरेशन जो है ना टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर इस इक्वेशन में t बच जाता ना तो हम बोलते कि एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे कुछ और होती, मतलब 1 सेकंड पे 6 होती, 2 सेकंड पे 12 होती, 3 सेकंड पे 18 होती, 4 सेकंड पे 24 होती। तो बताओ जरा क्या एक्सेलरेशन बदल रही है, बोला नहीं। एक्सेलरेशन क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, बोला कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो देखो जरा मैंने आपसे जो कहा था वो गलत कहा था क्या, कि भाई इट टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन, सही है ना। तो भाई ये वाली चीजें भी आपको पता पड़ गई, तो ये आपको डिफरेंशियल तो आ ही रहा है, साथ में आपको ये भी आ रहा है किस तरीके से किया जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक्स वाई जेड का ही डिफरेंशियल करना पड़े 3D स्क्वायर वगैरह का। अभी क्या होता है कि इसे याद रखिए कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, ठीक, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। ये देख रहे हो जितने भी सी वाले हैं, ये सी वाले हैं, कभी भी इन सी का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस में आएगा। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, ज्यादा से ज्यादा हो तो ये दो और याद रख लो, इसके अलावा आपको कोई और जो है जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ फॉर्मूले याद जरूर होना चाहिए अपन को, साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको याद करेंगे। ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, और कहीं पर लॉग एक्स लिखा मिल जाए तो उसका डिफरेंशियल होता है 1/x। चलिए बोला सर ये तो हो गया, लेकिन आप हमें अब ये बताइए कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी भाई पूछे जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं यहां पे। जैसे मान के चलो कि डिफरेंशियल में अगर मतलब मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तब आप डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है। देखो जरा मल्टीप्लीकेशन में रूल होता है क्या, बोला फर्स्ट फ्री, बोला पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशियल कर दो। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्या पहले को छोड़ दो, फ्री रखो, दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, ठीक। क्या कहा, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशियल कर दो, खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यह आ जाते हैं, मान के चलो आपको क्वेश्चन मिल गया कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब देखना यहां पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, और यहां क्या लिखा है, डी बाय डी एक्स। मतलब यहां पर जो है ना ये वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है। तो यहां पर आप ये समझो कि अगर ऐसा लिखा होगा कि डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, अगर ये अकेला लिखा है वाई तब तो हो जाएगा जीरो, ये कांस्टेंट है, हाँ एक्स की वैल्यू से एक्स ही बदलेगा है तब तो हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर ये वाई जो है एक्स के साथ लिखा है तो हम जीरो नहीं करेंगे, यही तो मैंने बताया था आपको। चलिए तो देखो इसका, देखो या आप दिमागी मत लगाओ, ये देखो कि भाई एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि पहले को फ्री छोड़ दो, तो क्या करेंगे डी बाय डी एक्स, पहले को फ्री छोड़ दो, तो पहले को फ्री छोड़ दिया, तो पहला क्या एक्स स्क्वायर, ये लिखा है रूल, पहले को फ्री छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, दूसरे को फ्री छोड़ दो पहले का डिफरेंशियल कर दो। तो कर देते हैं भैया, देखो पहले को फ्री छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशियल, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ऑफ वाई। चलिए अब देखो जरा प्लस, अभी क्या करेंगे यहां पे देखो, यहां पे देखो यहां क्या करेंगे कि दूसरे को दूसरे का फ्री छोड़ दो, और यहां पे देखिए जरा क्या कर सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ दूसरा वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां पर डिफरेंशियल हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अभी हम इसमें ना जीरो नहीं कर सकते इसको, क्यों, क्योंकि जीरो करने से पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल इतना ही लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, चलिए प्लस वाई।
अब यहां पे देख लो आप जरा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो अभी क्या करेंगे यहां पे, एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे कि भाई ये देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इस तरह से अगर ये वैल्यू हमारे पास कुछ भी है तो यहां जैसे मान के ये z की वैल्यू है तो z का आंसर क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ गए कि पहला फ्री छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशियल कर दो, दूसरा फ्री छोड़ दो, पहले का डिफरेंशियल कर दो। अभी आ जाते हैं डिवीजन रूल पे। अब डिवीजन रूल पे क्या होगा जरा देख लो, कुछ नहीं, डिवीजन रूल में क्या होता है कि नीचे वाले, ये देखो अगर ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है तो मैंने ऊपर वाले को मान लिया 1 और नीचे वाले को मान लिया 2, ऊपर वाले को मान लिया 1, नीचे वाले को मान लिया 2। ये कौन सा रूल है, इसको हम बोलते हैं जब भी डिवाइड करना हो तो हम इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या होता है कि कुछ भी नहीं, मैं आपको यहां पे लिख दूं कि न्यूमरेटर का, ये सॉरी यहां पे देखो, यहां पे डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, इसके बाद डेनोमिनेटर को फ्री छोड़ दो, डेनोमिनेटर को फ्री छोड़ दो, इसके बाद डिफरेंशियल कर दो किसका, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का, ठीक। चलिए माइनस साइन लगाओ, पहले प्लस लगा था अब माइनस, क्या करना है कि भाई न्यूमरेटर को इस बार फ्री छोड़ दो और डेनोमिनेटर का कर दो डी वाई डी एक्स ऑफ ऑफ डेनोमिनेटर, बस ये होता है आपका डिवीजन रूल। हाँ अगर आप ऐसे नहीं याद रख सकते तो ऐसे याद रख लो कि दूसरे का स्क्वायर, मतलब छोड़ो यहां से याद रख लो कि डेनोमिनेटर को, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवीजन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, डेनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को फ्री छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर दो, माइनस, ऊपर वाले को फ्री छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशियल कर दो। बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्या करेंगे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार जरा देखिए। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेनोमिनेटर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया बाय स्क्वायर। अब देखो जरा नीचे वाले को फ्री छोड़ दो, तो नीचे वाले को फ्री छोड़ दो, डिफरेंशियल कर दो एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x। चलिए अब इसका माइनस साइन, अब देखो नीचे वाले को मतलब न्यूमरेटर को फ्री छोड़ दो, ठीक, चलिए तो न्यूमरेटर को फ्री छोड़ दिया, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दो तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज लिख दो, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे उस तरह से डिवीजन कर ले, लेकिन याद रखो आपको जो है इतने ही जो है फिजिक्स में काम आने वाले हैं। अच्छा एक और रह गया है, चेन रूल क्या होता है, तो चेन रूल को समझ लो जरा कि चेन रूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो मान के चलो चेन रूल ये कहता है जब तक आखिरी टर्म का डिफरेंशियल ना हो जाए तब तक करेंगे। जैसे मान के चलो आपको इसका डिफरेंशियल करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो कैसे करेंगे, देखो साइन 2x मतलब साइन 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, बताओ जरा साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, देखो जरा यहां से देखते हैं देखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि भाई साइन का डिफरेंशियल है कॉस, तो साइन 2x का कॉस 2x, ठीक। अभी चेन रूल ये कहती है कि चेन चलती चली जाएगी जब तक डिफरेंशियल खत्म ना हो, तो देखो 2x 2x का डिफरेंशियल क्या होगा 2, तो साइन 2x का डिफरेंशियल करना हो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे। चलो एक और करके दिखा देता हूं, ई टू द पावर 10x, तो मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने क्या बताया था, ये रूल होता है कि देखो जरा यहां से कि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई ये लिखा हुआ है e टू द पावर 10x तो इसका एज इट इज हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, ये तो एज इट इज हो गया लेकिन यहां पे चेन रूल लगेगा ना, तो 10x का भी हमें एक बार करना पड़ेगा, तो इनटू में आ जाएगा sec स्क्वायर x, अब ये हो गया, समझे, इस तरीके से हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इतने में तो आपका खेल हो जाएगा डिफरेंशियल का, इतने में तो खेल हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको फिजिक्स में पढ़ना है। मैं आपको ये लिख के देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियोस आपकी मदद कर पा रही है तो इन वीडियोस को दबा के शेयर करो, क्योंकि जो अच्छा कंटेंट है वो आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी जरूरी बात कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, 11th में हम जो है धमाका करने वाले हैं। चलिए और दूसरी चीज क्या है, और एक और चीज ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को हिट नहीं किया तो आप अभी से जल्दी से आइकॉन को एक बार हिट कर दें, मजा आ जाएगा आपको, डेली नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। इंटीग्रेशन वगैरह समझना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फिर सर्च कर लें इंटीग्रेशन बाय अभिषेक साहू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।